नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक बेहद ही खास जानकारी के बारे में जो आपकी सेहत की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं केसर वाला पानी पीने के फायदे के बारे में। हम सभी को पता है कि केसर महंगी औषधि पर हमारी सेहत की दृष्टि से बहुत गुणकारी है। अगर हमारे पास है, हमारे किचन में उपलब्ध है, तो इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं केसर वाला पानी सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे। केसर के 5 से 7 धागे लेकर के 10 मिनट तक गर्म पानी में आपको भिंगो करके रख देना है। फिर सुबह खाली पेट इसका आपको सेवन करना है। ऐसा लगातार 1 महीने तक करने पर आपको असर दिखने लगेगा। जी हाँ, आपको हर रोज इसका सेवन करना है। क्या क्या लाभ होंगे इससे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए पीरियड्स की प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है। जी हाँ, अगर आप इसका सेवन करते हैं नियमितता के साथ, तो आपको पीरियड्स में होने वाले दर्द या फिर देर से आना या फिर हैवी पीरियड्स की समस्या से निजात दिलाता है। इसका सेवन हमें अवश्य हर रोज करना चाहिए उस स्थिति में। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, करेले का जूस लगाने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ठीक उसी प्रकार से केसर का पानी अगर आप सिर्फ पीते हैं तो ये औषधीय गुणों से भरपूर औषधि आपको लाभ देती है और आपको ग्लोइंग स्किन देने में मदद करती है। इसके अलावा ये आपके बालों के झड़ने की समस्या को दूर कर देती है। लगातार 1 महीने तक अगर आप इसे लेते हैं तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और इसी के साथ साथ बाल शाइनिंग भी हो जाएंगे। इसके अलावा सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए ये गुणकारी औषधि है। इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। 1 कप केसर वाटर न सिर्फ आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा बल्कि इससे आप इन्फेक्शन के खतरे से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा ये कैफीन से बेहतर है। जी हाँ, कैफीन से आपको होता क्या है कि रेगुलर आपको हैबिट बनती जाती है उसकी। जैसे कि चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको उस समय पर वो ढूंढने लगता है, लेकिन केसर के साथ फ़ायदा ये है कि इसकी चाय जब आप पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो जाती है, आपके चाय की लत भी छूट जाती है और आपको एक बहुत ही बेहतरीन गुणकारी औषधि मिलती है जो आपकी स्किन से लेकर के आपके लीवर तक के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये शुगर क्रेविंग से छुटकारा दिलाता है। जी हाँ, मीठा खाना तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को बेवजह की मीठा खाने की तलब लग जाती है जिसे शुगर क्रेविंग भी कहा जाता है। मगर केसर वाला पानी रेगुलर पीने से आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा शुगर यानी कि मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके अलावा आप मुहासों की समस्या से दूरी बना लेंगे, यानी कि आपको राहत मिल जाएगी अगर मुहासों की समस्या से आप परेशान हैं तो। जी हाँ, मुहासे पिंपल्स जैसी समस्याओं से परेशान है तो आप इसका सेवन करें, पानी का आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा इन समस्याओं से। तो इतने गुणों की खान होती है केसर का पानी अगर पीते हैं आप तो। खास करके आपके सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि आपकी स्किन को सुंदर रखने से रिलेटेड, महिलाओं के पीरियड्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये औषधि हमारे सेहत के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह से कार्य करती है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका जैसा बताया, बस ध्यान रखना है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन स्टार्ट नहीं करना है। 3 से 4 धागे ज़्यादा हो जाते हैं आपके लिए, बस इतना ही। 2 से 3 धागे आप डाल लें शाम को, पानी में डाल करके छोड़ दें गुनगुने पानी में। सुबह उठ करके उस पानी को आपको पी लेना है, आप खुद देखेंगे 1 महीने में अपने शरीर में फर्क। तो ये आज की औषधि रही। कैसी लगी ये आज की जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स अवश्य कीजिए ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और ये तभी संभव है जब आप सभी लाइक शेयर एंड कमेंट्स करेंगे। तो कर दीजिए, मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।